हे एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल गुप्ता आप सभी स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा दरोगा का सीरीज चल रहा है। इसमें हमारा रेगुलरली लगातार धुआंधार बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है। हमने इड्यूटीरिया का सेट नंबर 14 तक कंप्लीट करा दिया है। बट माई फ्रेंड, होल्ड ऑन, इड्यूटीरिया का लेटेस्ट जो अभी अपडेटेड जो प्रैक्टिस सेट आएगा वो भी हमारे चैनल में बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। ये जो टेस्ट सीरीज है ये है द प्लेटफॉर्म का, और द प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज में हमने सेट नंबर 9 तक कंप्लीट करवा दिया है। जिन भी भाई बहन ने अब तक वो नहीं देखे हैं सारे, आप हमारे नीचे चैनल के डिस्क्रिप्शन, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको सारे के सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, एडिटोरिया और प्लेटफॉर्म दोनों के ही। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहां प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में वहां बिहार दरोगा के लिए डेडिकेटली प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहां से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। ये जो होगा हमारा सेट वो होगा ये सेट नंबर 10, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो कट ऑफ मार्क रखा गया है वो 70+ रखा गया है। उम्मीद करता हूं आप सब इस कट ऑफ मार्क को जरूर जरूर टच करेंगे, इवन इससे बेहतरीन स्कोर करेंगे। चलिए बिना कुछ देरी किए फटाफट से आज का जो ये सीरीज, ये सेट है, हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं लूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है? तो देखिए भाई साहब, जो मुंह द्वारा टीका दिया जाता है वो दिया जाता है पोलियो, राइट? याद रखें, एल्बर्ट सेबिन ने 1957 में, कब 1957 में, है ना, मुंह से लेने वाली पोलियो ड्रॉप का इजाद किया था। तब से मुंह से पोलियो ड्रॉप पड़ने लगा, याद रखें। टू देखते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2019 में किस राज्य से राज्यसभा हेतु निर्वाचित हुए हैं? ये निर्वाचित हुए हैं राजस्थान से, याद रखें आप लोग, ठीक है। चलिए थ्री देखते हैं, क्या बोला जा रहा है। थ्री देखें, निम्नलिखित में से किस कारण से उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है? इसका जो सही हो जाएगा हमारा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होने पर, राइट। चलिए फोर देखते हैं, क्या बोला जा रहा है फोर में। देखिए, किस राज्य ने हाल ही में अपना फाइनल नागरिकता रजिस्टर जारी किया है? तो ये जारी किया है, ये जारी किया है मेघालय ने, याद रखें। फाइनल इसने अपना नागरिकता रजिस्टर जारी कर दिया है, किसने? मेघालय ने। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे फाइव, क्या बोला जा रहा है। G7 का 45वां 45वां शिखर सम्मेलन अगस्त 2019 में कहां पर संपन्न किया गया? इसको जो संपन्न किया गया था बियारिट्ज फ्रांस में, याद रखें। सिक्स देखते हैं, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस भाषा की फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो ये जो दिया गया था, ये दिया गया था गुजराती फिल्म को, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन। नेक्स्ट है, किसी समय अवधि सामान्यता एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों द्वारा कुल उत्पादित वस्तु एवं दी गई सेवाओं का कुल योग कहलाता है कितना? देखिए, ये जो योग कहलाता है टोटल, ये कहलाता है राष्ट्रीय आय, कहा जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय आय। एट देखते हैं, क्या बोला जा रहा है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? देखिए, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तब इसका ऊष्मा निष्कासन होता है, ठीक है, याद रखें। इस पोजीशन में इसका ऊष्मा निष्कासन होगा, याद रखें आप लोग, ठीक है। चलिए इसको मैं जरा सा इसको बढ़ा देता हूँ, ओके। चलिए थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बोल्ड हो गया भाई, थोड़ा सा कम कर दो, ओके, यस दैट्स ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, डैश की परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु दाब में परिवर्तन से वायु ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है। किस राज्य द्वारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019 इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान को प्रदान किया गया? देखिए, तो ये जो प्रदान किया गया ना, ये तमिलनाडु के द्वारा, ठीक है, तमिलनाडु राज्य के द्वारा इनको प्रदान किया गया। 11 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है। खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2019 किसे प्रदान किया गया? तो ये जो प्रदान किया गया है ये किया गया पंजाब विश्वविद्यालय को, राइट। चलिए 12 देखेंगे हम, 12 में क्या बोला जा रहा है, 12 ओके यस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, रॉन्ग है, ये बताना है। देखिए, तो यहाँ जो इसका जो स्टेटमेंट हो जाएगा यहाँ पे हमारा 12 का जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो सी हो जाएगा। देश के भौगोलिक क्षेत्र का 1/7 हिस्सा वन आच्छादित है, यहाँ पे ये रॉन्ग है। देश के भौगोलिक क्षेत्र का 7वां हिस्सा वन आच्छादित है, यहाँ पे कथन ये रॉन्ग है। भारत का 5वां हिस्सा जो है ना अधिक वन आच्छादित है, ठीक है, और भारत में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन है, याद रखें इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13,
क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के व्यापक विलय के बाद सरकारी बैंकों की संख्या कितनी रह गई है? तो ये जो रह गई है ना, ये देखिए 12 ही रह गई है, ठीक है, याद रखें। 14 देखते हैं, 14 में क्या बोला जा रहा है, 14 में बोला जा रहा है संप्रीति 8 2019 किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो यहाँ पे जो ये सैन्य अभ्यास जो संप्रीति है वो है भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। 15 देखते हैं, फोर्ब्स द्वारा 2019 में जारी विश्व के अरबपतियों की सूची में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो ये जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो है जेफ बेजोस को, ठीक है, ये याद रखें, 2019 का डाटा है। 16 देखते हैं, 16 में क्या बोला जा रहा है, देखें तो ये बोला जा रहा है किस वस्तु को 9.8 मिली सेकेंड से के वर्ग के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है? धरातल पर पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय कितना होगा? तो यहां पे धरातल पर पहुंचने में उनको समय लगेगा 2 सेकंड का, याद रखें। 17 देखते हैं, अमेरिका प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने 6 मार्च 2019 को किस देश में बोलो नामक नया मोबाइल ऐप जारी किया? तो इन्होंने जारी किया है वो है इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 18, पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई डैश होती है? तो ये जो होती है देखिए 36,000 किलोमीटर होती है, पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है। 19 देखते हैं, विटामिन के की कमी के परिणाम स्वरूप डैश हो सकता है, क्या हो सकता है? तो यहां पे देखिए इसके कमी के कारण जो है ना क्या हो जाएगा, शल्य क्रिया उपरांत रक्त रिसाव हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन के कमी से परिणाम स्वरूप शल्य क्रिया उपरांत रक्त स्राव हो सकती है। विटामिन के का रासायनिक नाम याद रखें, विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनीन, क्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन। और इसके कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन डी की कमी से हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, ठीक है। और स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, और बांझपन जो फीमेल्स में जो उनके प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होता है वो ज्यादातर होता है विटामिन ए की कमी, ई की कमी के कारण, याद रखें। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 20, क्या बोला जा रहा है, डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, क्या इसका उदाहरण है? तो देखिए ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी सीपीयू, कॉम्पैक्ट डिस्क, मॉनिटर, ये सब, ये तो एक तो एक्सटर्नल ड्राइव हो गया, ठीक है, और मॉनिटर ये भी एक्सटर्नल ड्राइव्स है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट हमारा सांख्यिकी के आंकड़ों को निरूपित करने के लिए जिन पाई डायग्रामों का उपयोग होता है वो होते हैं, क्या होते हैं वो? तो वो होते हैं एक वृत्त में एक आयाम डायग्राम, ठीक है, ये होते हैं, राइट, सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, देखिए निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। 23 देखते हैं, सिराजुद्दौला की हार डैश की युद्ध में हुई थी, किस युद्ध में हुई थी भाई? तो ये हुई थी प्लासी के युद्ध में, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का हार हुआ था, और सिराजुद्दौला अलवर्दी खां का नाती जो सबसे प्रिय पात्र था अलवर्दी खां का, ठीक है। मीर जाफर, यार लतीफ, अमित चंद्र, मानिक चंद्र, जगत सेठ आदि जो है सिराजुद्दौला के विरुद्ध इन्होंने अपना समर्थन दिया था, इसके अगेंस्ट में, ठीक है। प्लासी का युद्ध, देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1957 को ही हुआ था, याद रखें 23 जून को, ठीक है, 1957 में, याद रखें, ठीक है। अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के सेना के बीच में ये लड़ाई हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24, देखिए 24 में क्या बोला जा रहा है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत को कौन सा रैंकिंग दी गई है? तो भारत को जो रैंकिंग दी गई है वो है 140वीं, याद रखे 2019 का डाटा ही है। 25 देखते हैं हम, 25 में क्या बोला जा रहा है, 25 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का विस्तार केवल एक राज्य तक सीमित है? तो देखिए जो विस्तार सीमित है ना वो अजंता, ठीक है, अजंता का जो पर्वत है, अजंता का विस्तार सिर्फ महाराष्ट्र राज्य में ही है, और अरावली सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आया है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो वो अरावली है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। अजंता की गुफाएं गुप्त काल की जीवंत स्मारक है जो अभी भी एग्जिस्ट है, जो देखने को मिल सकता है। अजंता की गुफाओं की संख्या 17 को चित्रों का चित्रशाला भी कहा गया है। जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें अलग अलग गुफाएं हैं, उन सब में नंबर दिया गया, उसमें जो गुफा नंबर 17 है उसको जो है ना चित्रशाला कहा गया, क्योंकि उसमें बहुत बेहतरीन पेंटिंग्स हैं। चलिए 26 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है, देखिए भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इनमें निम्नलिखित का समावेश किया गया था,
किसका किया गया था? तो ये जो किया गया था द्वैध शासन प्रणाली का समावेश किया गया था। सबसे बेहतरीन इसकी विशेषता यही थी। कक्षीय सतह से पृथ्वी की अक्ष का झुकाव कितना है? सॉरी, करेक्ट जो इसका हो जाएगा, देखिए सी हो जाएगा, 23.5 डिग्री। ठीक है ना, तो अपने पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है तथा अपने अक्षीय कोण का झुकाव जो है 66.5 डिग्री है। याद रखें इसको, ठीक है? तो 66 1/2% ये अपने अक्ष पे झुका हुआ है, ठीक है? और पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है पूरे यूनिवर्स में, याद रखें। 28 देखते हैं, क्या बोला जा रहा है। किसी स्थान का अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है। किसका होता है? तो देखिए ये होता है ना तापक्रम का। कहीं का भी किसी भी स्थान का अक्षांश जो है ना, ये तापक्रम का सूचक होता है, वहां पे क्या टेम्परेचर है। सॉरी, 29 देखते हैं, 29 में क्या बोला जा रहा है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? देखिए ये जो राष्ट्रीय गीत है ना, वो है वंदे मातरम। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास से लिया गया, याद रखें। राष्ट्रीय गीत के रचनाकार कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। गीत की गान पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। अधिवेशन का अध्यक्षता जो है ना, ये जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1896 में, इसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला समानी ने सयानी ने किया था, याद रखें। और यह बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ में अद्वित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, क्या बोला। किस राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2019 में वोट एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई? तो ये जो शुरुआत किया गया था वो उड़ीसा राज्य में किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। हिमांक तथा वाष्पांक के बीच फेरनहाइट स्केल पर कोटी इंटरवल यानी अंतराल का दसवां भाग है। तो ये जो है ना 1/180 भाग होता है, याद रखें। 32 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए 32 में बोला जा रहा है सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2019 का खिताब किसने जीता? तो देखिए ये जीता है साउथ कोरिया ने, दक्षिण कोरिया ने, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 34। ओजोन परत निम्नलिखित में उपस्थित रहता है, ये कहाँ पे उपस्थित रहता है? देखिए तो ये उपस्थित रहता है समताप मंडल में, ठीक है। तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित रहता है और इसी मंडल में वायुयान जो है उड़ता है, क्योंकि वायुयान को उड़ने के लिए सबसे बेहतरीन मंडल कहा जाता है, क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती है। मौसम संबंधी घटनाएं कहाँ होती है? तो वो क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। और आयन मंडल में, इस मंडल में क्या होता है? रेडियो तरंगे घटनाएं होती है, और इसी मंडल में रेडियो तरंगे सेटेलाइट को स्थापित किया जाता है, ठीक। 34 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। 34 में देखिए, 34 में बोला जा रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने 21 फरवरी 2019 को निम्न में से किसे बीसीसीआई का लोकपाल नियुक्त किया है? तो ये जो नियुक्त किया है ना, ये नियुक्त किया है डीके जैन को, ठीक है। 35 देखते हैं, 35 में क्या बोला जा रहा है। 2019 बाफ्टा फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसमें जो सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्रदान किया गया वो है रोमा, राइट। चलिए 36 देखते हैं, यहाँ बात हो रहा है चंद्रमा पृथ्वी की एक चक्कर मारने में, एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो ये जो लेता है देखिए 27.3 दिन लगभग ले लेता है, ठीक है। अब देखते हैं हम 37, 37 में क्या बोल रहा है। देखिए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, है ना। तो यहाँ जो जो युग्म सही सुमेलित नहीं है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दाब का डाइन, ठीक है। तो यहाँ जो बात हो रही है दाब का जो डाइन है, यहाँ पे एब्सोल्यूट रॉन्ग है। देखिए विद्युत विभव का वोल्ट जो होता है वो ऐसा ही मात्रक होता है, विद्युत धारा का एम्पियर ऐसा ही मात्रक होता है, और विद्युत प्रतिरोध का जो है ना ओम ऐसा ही मात्रक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं 38। 38 में क्या बोला जा रहा है, सापेक्षित घनत्व इज इक्वल टू कितना होता है? तो सापेक्षित घनत्व इज इक्वल टू होता है पदार्थ का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व हो जाता है, ठीक है। चलिए 39 देखते हैं क्या बोल रहा है। फरवरी 2019 में कौन सा देश नाटो का 30वां सदस्य बन गया? तो ये जो बन गया है ना, देखिए ये मैसेडोनिया बन गया है, ठीक है, 30वां सदस्य नाटो का, याद रखें। 40 देखते हैं, साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती हैं? देखिए साइना नेहवाल जो खेलती हैं ना, वो खेलती हैं बैडमिंटन, ठीक है, याद रखें, बैडमिंटन खेलती हैं। टेनिस संबंधित कौन? सानिया मिर्जा हो गई। शतरंज खेल संबंधित कौन? तो विश्वनाथन आनंद हो गए। और तैराकी से कौन संबंधित हो गए? तो ऋचा मिश्रा हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 41 देखते हैं, निम्न में से किस टीम ने वर्ष 2019 को रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये जीता है विदर्भ ने, याद रखें, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 42 देखते हैं, 42 में क्या है। तो रस्किन बॉन्ड भली भांति निम्नलिखित रूप में जाना जाता है, ठीक है, रस्किन बॉन्ड भली भांति निम्न रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है भाई? तो रस्किन बॉन्ड एक लेखक है, वो भली भांति एक लेखक के रूप में जानी जाती है, ठीक है। चलिए 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप में से युग्मित नहीं है?
यहाँ पे जो सही हो जाएगा हमारा, देखिए डी हो जाएगा, सिस्मोमीटर सतह की वक्रता, ये गलत है। सिस्मोमीटर जो यहाँ पे सही नहीं है, सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता की गणना की जाती है इससे, ठीक है। मैनोमीटर से दाब का मापन किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 44 क्या बोल रहा है यहाँ पे, महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो डैश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है ना बिहार में स्थित है, ठीक है। तो महाबोधि मंदिर या महान जागृत मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो बिहार के गया में स्टैब्लिश्ड है। कौन से संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा गोवा राज्य बना? तो ये जो बना था ना, देखिए 56वां संविधान संशोधन के द्वारा ये बना था। कब ये हुआ था? 1987 में हुआ था, याद रखें। नेक्स्ट 46 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। भारत में दोपहर में प्रथम बार किसने बजट पेश किया? तो ये पहली बार जो दोपहर में बजट पेश हुआ, ये पेश किया यशवंत सिन्हा ने, ठीक है। तो भारत में दोपहर में पहली बार यशवंत सिन्हा ने बजट पेश किया, अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में यशवंत सिन्हा ने वित्त मंत्री थे और इन्होंने ही बजट पेश किया था, ठीक है। और याद रखें बजट सबसे पहले 1860 में विल्सन ने पेश किया था, ठीक है। विल्सन को भारत में बजट का जनक भी कहा जाता है, विल्सन, ठीक है। याद रखें आप लोग, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, वीवीआई है ये। 47 देखते हैं, योजना आयोग का प्रस्ताव किसने और कब प्रस्तुत किया? तो ये जो प्रस्तुत किया था, देखिए ये किया था जॉन मथाई ने 1950 में, ठीक है। चलिए 48 देखते हैं हम क्या बोला जा रहा है। देखिए थल सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल नौसेना को किस अधिकारी के समक्ष होता है? मतलब थल सेना में अगर कोई लेफ्टिनेंट कर्नल है तो नौसेना में वो किस अधिकारी के बराबरी रैंक का वो होगा? यहाँ पे सिंपल सरल भाषा में समझ लें तो ये जो कमांडर के रैंक का होगा, याद रखिए आप लोग, ठीक है। 49 देखते हैं, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो ये जो होता है ना, देखिए प्रधानमंत्री होता है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है। देखिए सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत में निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो देखिए जब सिकंदर भारत में हमला किया था ना, उस समय किसका शासन काल था? तो उसमें मौर्यों का शासन काल था, ठीक है। तो महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में देखिए 8 मिलती है, ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक घनन था जो सिकंदर का समकालीन था, बराबर था, और इसी के टाइम में सिकंदर का हमला हुआ था। उसे यूनानी लेखक ने अग्रमीज कह के भी बुलाया है, ठीक है, याद रखें। चलिए 51 देखते हैं, इंग्लैंड का एंट्री स्टेडियम किस खेल के लिए मशहूर है? देखिए तो ये जो मशहूर है ना, वो घुड़दौड़ के लिए मशहूर है, ठीक है। 52 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर क्या है जिस पे टिका हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था? तो ये है देखिए लौह इस्पात, ठीक है। बेसिकली इस पे टिका हुआ नहीं कह सकता, बट कोर सेक्टर कहने का मतलब बिल्कुल इससे ज्यादा ज्यादा मुनाफा होता है सरकार को, ठीक है। इमोशनली योर्स किसका लोगो है? ये जो लोगो है देखिए ये है सहारा एयरवेज का, ठीक है। तो इमोशनली योर्स ये सहारा एयरवेज का लोगो है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे। 54 क्या बोला जा रहा है, 54 में देखते हैं, विशाल दूरसंचार कंपनी एयरटेल किस देश की है? विशाल का है, आई एम सॉरी, विशाल का है दूरसंचार कंपनी एयरटेल, ये किस कंट्री की है? देखिए तो ये जो है ना, ये है भारत की, याद रखें, आप लोग जानते भी होंगे बहुत से लोग। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील जो है वो है वुलर झील, ठीक है। तो वुलर झील कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। चलिए डल झील भी जम्मू कश्मीर में ही है, चिल्का झील उड़ीसा में अवस्थित है, और लैगून निर्मित झील है ये, ठीक है, और कोलोरू झील ये आंध्र प्रदेश में है। चलिए 56 देख लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 56, शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? शिकारी देवी अभयारण्य है ना, तो ये जो है ये हिमाचल प्रदेश में। 57 देखेंगे हम क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन हिमालय की ऊंची चोटी है? तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। 58 देखते हैं, किस चीनी राजा ने 2020 ईस्वी में चीन की विशाल दीवार को बनवाया था? तो ये जो बनवाया है देखिए, ये बनवाया है सी हुआंग टी ने, ठीक है, फिर से सुन ले, चीन का राजा सी हुआंग टी ने 2020 ईस्वी में चीन के विशाल दीवार को सुरक्षा के लिए बनवाया था, ताकि वो अपने देश को एक किले के रूप में तब्दील कर सके। 59 देखते हैं हम क्या बोला जा रहा है, देखिए मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, ठीक है। 60 देखते हैं, बाबर ने तुझकी बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इसने तुझकी बाबरी लिखी थी ना, वो तुर्की भाषा में लिखी थी, याद रखें आप लोग, ठीक है। चलिए 61 देखते हैं, 61 में क्या बोला जा रहा है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था
लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, चलिए 62 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे सुमेलित करना है सूची एक से सूची दो में। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा सही सुमेल जो यहाँ बैठ रहा है, देखिए तंत्रिका तंत्र जो है ये क्या है, बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाने वाली है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र बाहरी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाने वाली है, यानी कि हमारा ए का मिलान चार से हो गया। ठीक है, उसका देखिए संयोजी तंत्र जो है विभिन्न ऊतकों को जोड़ती है ये। ठीक है, संयोजी तंत्र विभिन्न ऊतकों को जोड़ती है, बी का एक से हो गया। कंकाली तंत्र ये प्रचलन में सहायता करती है। ठीक है, ये परिचलन में सहायता करती है, सी का इसके साथ हो गया। और यहाँ पे देखिए श्वसन तंत्र ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ठीक है, पांच के साथ हो गया। तो हमारा जो सही जो कूट बैठेगा, ये देख लेते हैं हमारा सही कूट क्या बैठेगा। तो यहाँ पे हमारा सही कूट आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे, 63 देखते हैं। किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ पे होगा, तो अधिकतम जो इसका भार हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुवों पर, अधिकतम से अधिकतम इसका भार होता है। किसी रॉकेट रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम कितनी गति की जरूरत होती है, कितनी गति दी जाती है इसमें, बेसिकली ये बोला जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो दी जाती है देखिए 11.2 सेकेंड दी जाती है, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड इसमें प्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो पृथ्वी की कक्षा से और पृथ्वी ग्रेविटेशनल फोर्स को बीट करके, तो मतलब बिल्कुल छकाते हुए बाहर निकल जाए। ठीक है, चलिए 65 देखते हैं क्या बोला जा रहा है 65 में। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में डैश द्वारा आयोजित की गई थी, तो ये जो आयोजित की गई थी वो की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा, काकोरी ट्रेन डकैती। ठीक है, 66 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था, तो ये जो प्रथम यूरोपीय थे देखिए ये थे कौन, तो ये थे जॉर्ज यूले। ठीक है, फर्स्ट यूरोपीय की बात हो रही है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले प्रथम यूरोपियन जो अगर पूछा जाए तो जॉर्ज यूले थे। इसने कांग्रेस के 1888 ईस्वी में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इसने की थी, जॉर्ज यूले ने। कब किया था, 1888 में जो अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे अधिवेशन ये हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, याद रखें 1888 जॉर्ज यूले पहला कोई ऐसा जो कांग्रेस का अध्यक्ष बना जो यूरोपियन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम बढ़ेंगे, 67 क्या बोला जा रहा है। मवेशियों में अर्गोस्टिज्म रोग जो होता है वो किस वजह से होता है, तो ये जो होता है ना देखिए कवकों के द्वारा होता है। ठीक है, 68 देखते हैं, 68 में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब इसमें कौन पहले सत्याग्रह हुआ इसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा देखिए सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ। ठीक है, गांधी जी ने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किया था, कब किया था इन्होंने, तो इन्होंने किया था 1917 में। ठीक है, प्रारंभ किया था 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों का हुआ। ठीक है, 1918 में हुआ अहमदाबाद में मिल मजदूरों का। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करते हैं तो हड़ताल किया गया, और 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में भी कर नहीं देने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया गया, खेड़ा जो है 1918 ये भी हो गया। और अब रॉलेट एक्ट की बात की जाए तो रॉलेट एक्ट 1919 में ये हुआ था। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ईयर बढ़ते हैं। आप लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। ठीक है, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है। ठीक है, सर्दी वर्दी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सा अगर कुछ ऐसा इरिटेशन वाला साउंड आए तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए 69 देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था, तो ये जो किया था इन्होंने देखिए ये किया था वर्धा में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना इनके द्वारा इसके द्वारा की गई, मतलब किसके द्वारा की गई यहाँ पे ये बताना है। देखिए ये जो किया गया था ना ये हमारा सही हो जाएगा, धर्मपाल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब किया गया था आप कमेंट करके जरूर जरूर बताएं। ठीक है, चलिए 71 देखते हैं हम। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके लिए अनिवार्य है, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ना वो व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा कंपलसरी है व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 147 में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है ये, और इसमें ये कहा गया है भारत की न्याय व्यवस्था जो है इकहरी और एककृत न्याय व्यवस्था है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्टैब्लिश्ड है याद रखें, और उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्यादाता है। व्याख्यादाता से मतलब क्या है कि उच्चतम न्यायालय के पास ये पावर है जो हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पे वो टिप्पणी कर सकता है, उसके ऊपर सुझाव दे सकता है, समझ गए। चलिए 72 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। निम्नलिखित में से किसे काला श्याम पगौड़ा के नाम से जाना जाता है,
करेक्ट जो हमारा हो गया वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। 73 देखते हैं हम। तिलका माझी का जन्म हुआ था कब? तो ये जो हुआ था देखिए 1950 में हुआ था, ठीक है। तिलका मांझी का जन्म 1950 में हुआ था। तिलका मांझी द्वारा भागलपुर छोटा नागपुर क्षेत्र में जो है 1787 से 90 ईस्वी के बीच में विद्रोह किया गया था, ठीक है। और तिलका मांझी विश्वविद्यालय ये भागलपुर में इनके नाम से बनाया भी गया हुआ है, ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म की बात की जाए तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और कोल विद्रोह 1820 से एवं 1830-32 ईस्वी में किया गया था झारखंड में, ठीक है, इन्हीं के द्वारा। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। 74, किस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ? तो देखिए ये जो स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था वो हुआ था बंगाल विभाजन विरोध आंदोलन के समय में, ठीक है। चलिए 75 देखते हैं क्या बोला जा रहा है। जब बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कौन विराजमान था? तो जब बाबर ने हमला किया था ना उस समय दिल्ली में जो बैठा हुआ था तख्त पे वो इंसान था इब्राहिम लोदी, याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 76, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड में जो समाजवाद का जनक माना जाता है वो रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है, ठीक है। इंग्लैंड में चर्चिस्ट आंदोलन क्यों हुआ था, कब हुआ था, ये बताना है। देखिए तो इसमें जो हुआ था ये हुआ था 1838 में हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड में चर्चिस आंदोलन 1838 में हुआ था। चर्चिस आंदोलन जो है बॉलिंग जो है बालिग पुरुषों के लिए मताधिकार की मांग को लेकर ये हुआ था चर्चिस आंदोलन, याद रखें। इंग्लैंड में वयस्कों को मताधिकार 1928 में दे दिया गया था, और 1838 में लंदन श्रमिक संघ ने चर्चिट आंदोलन चलाया था, ठीक है। चलिए 78 देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा 78, भारतीय नामक समय, भारतीय मानक समय यानी इंडियन मीन टाइम का यम्योत्तर रेखा किस राज्य से नहीं गुजरता है? तो ये जो नहीं गुजरता है देखिए महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। देखिए भारतीय मानक समय का यम्योत्तर जो है 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर पे है। देश के 5 राज्यों से गुजरता है, कौन कौन सा सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश से गुजरता है, मध्य प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उड़ीसा से गुजरता है, और आंध्र प्रदेश से ये गुजरता है, याद रखें, ठीक है। चलिए 79 देखते हैं। बिहार शासन का कौन सा अंग विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो ये जो है देखिए ये है कार्यपालिका, ठीक है। 80 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का कैलोरी मान 0 है, न्यूनतम है? तो ये जो कैलोरी मान न्यूनतम है ना वो है प्रोड्यूसर गैस का, ठीक है। 81 देखते हैं। यदि लाल फूल को हरे शीशे से देखा तो क्या दिखेगा? करेक्ट जो इसका हो जाएगा देखिए भूरा और काले रंग का वो दिखेगा, ठीक है। अगर लाल फूल को हरे रंग के कांच से हम देखेंगे या हरे रंग के प्लास्टिक से भी हम देखेंगे तो वो भूरा या काला दिखेगा। 82 देखते हैं हम। भारत की सबसे उत्तरी सीमा क्या है? तो भारत की जो सबसे उत्तरी सीमा है ना वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश पे ये बसी हुई है, ठीक है। 83 देखते हैं। विलर द्वीप का नाम क्या है, चेंज कर दिया गया है अभी, क्या इसका नाम हुआ ये बताना है। देखिए अबुल कलाम द्वीप कर दिया गया है विलर द्वीप का नाम, याद रखें विलर द्वीप का नाम बदल के अबुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। उड़ीसा सरकार ने 2 सितंबर 2015 को इस द्वीप का नामकरण भारत के महान वैज्ञानिक एवं पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर किया, ठीक है। नेक्स्ट 84 देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता कौन सी नहीं है? तो यहाँ देखिए प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात ये जो विशेषता इसकी नहीं है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता ये नहीं है कि प्राथमिक क्षेत्र में वो निम्न अनुपात वो दे, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की जो प्राथमिकता है वो है क्षेत्र का योगदान GDP में सर्वाधिक होता है, ठीक है। उसके बाद है GDP जब तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक होता है तो वह देश विकसित देश की श्रेणी में हो जाता है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि पशुपालक खान वन मत्स्य पालन ये सब आता है, ठीक है। सेकेंड जो इसका स्टेज होता है द्वितीय क्षेत्र जो होता है उसमें विनिर्माण उद्योग आता है, और थर्ड में सेवाओं को रखा जाता है, ठीक है। तो ये जो आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा देश जो होता है उसमें ये नहीं होगा। चलिए 85 देखते हैं। 85 में क्या बोल रहा है? पेट में भोजन पचाने के लिए निम्नांकित में से किसका आवश्यकता खास होती है? तो इसका जो होता है ना देखिए करेक्ट जो हो जाएगा एंजाइम का आवश्यकता बहुत ही ज्यादा होती है खाना पचाने के लिए। 86 निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो ये कब आते हैं? ये आते हैं अक्टूबर से नवंबर के मंथ में, बहुत बार बार बार। 87 देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन निम्न में से किस मगध सम्राट के शासनकाल में किया गया था? तो ये किया गया था देखिए कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88। क्या बोला जा रहा है, देखिए प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, क्यों पकाई जा सकती हैं, रीज़न इसका बताना है। तो देखिए इसका जो रीज़न हो जाएगा, देखिए और ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इस वजह से इसमें सब्जियाँ ज़्यादा जल्दी पकाई जा सकती हैं। 89 अब हम देखेंगे क्या बोल रहा है। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, क्यों लगता है ये बताना है। करेक्ट जो इसका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये इसका मेन रीजन होता है, ठीक है। तो जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो पीछे की ओर भी धक्का बराबर फोर्स में लगता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। ये थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है, आप लोग ये याद रखें, न्यूटन्स थर्ड लॉ है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 90, बिहार के 90% क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा, देखिए ए हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। 91 देखते हैं। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काव्य में आभूषण था, जिसका अर्थव्यवस्था में प्रयोग हुआ निम्नलिखित के रूप में, किस रूप में हुआ। तो ये जो हुआ ये हो जाएगा सिक्का के रूप में, ठीक। तो शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थव्यवस्था में प्रयोग हुआ सिक्के के रूप में, राइट। चलिए 92 देखते हैं हम। 92 है हमारा, भारत में कार्यकारिणी निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये जो उत्तरदायी होते हैं ना, वो विधानमंडल के प्रति होते हैं, याद रखें। भारत में कार्यकारिणी प्रत्यक्ष रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है, और राष्ट्रपति संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका प्रधान होता है, न्यायपालिका न्याय प्रदान करती है, ये तो आप सभी जानते ही होंगे। 93 देखते हैं। अधिकतर चट्टान एवं खनिज में किस तत्व की बहुलता होती है। तो ये जो होती है, देखिए सिलिकॉन की बहुलता बहुत ज्यादा मात्रा में होती है अधिकतर चट्टान और खनिजों में। 94 देखते हैं। निम्नलिखित में से वह फसल कौन सी है जो जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है, और जिसे जिसे लिए जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो ये जो होती है, देखिए ये होती है चावल, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में उगाई जाती है और इसके लिए पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी होती है। चलिए 95 पे आते हैं। 95 में क्या बोल रहा है, कागजी मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है। देखिए इसमें कागजी जो मुद्रा है वो एसडीआर श्रेणी में आती है, ठीक है। तो कागजी मुद्रा एसडीआर को कहते हैं, यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआर का फुल फॉर्म आज आप लोग जान लें, एसडीआर का जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स कहते हैं जिसे। यह योजना 1 जनवरी 1970 से लागू हुआ था, इसे कागजी सेना भी कहा जाता है। आईएमएफ के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य देश का कोटा निर्धारित कर दिया जाता है एसडीआर का। चलिए 96 देखते हैं। 96 में क्या बोला जाता है, एक दिन बढ़ा दिया जाता है जब कोई व्यक्ति पार करता है, कहाँ किसे पार करता है। तो जब पूर्व से पश्चिम दिशा में 180 डिग्री देशांतर वो पार करता है तो एक दिन आगे प्लस कर दिया जाता है। 97 देखते हैं। कुगटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है। तो ये जो है ना, देखिए ये हिमाचल प्रदेश में है, कुगटी वन्य पशु विहार, ठीक। 98 देखते हैं। एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो ये जो है कहलाती हैं समताप रेखाएं, यानी आइसोथर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 99, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है। तो ये जो है ना, देखिए दमन और द्वीप है, ठीक है, दमन और दीव जो है संघ राज्य क्षेत्र जो है बालक बालिका अनुपात में सबसे लोअर पोजीशन होल्ड करता है। बालक बालिका अनुपात में भारी अंतर का मुख्य कारण भारत में लड़का और लड़की के बीच भेदभाव किया जाता है, इस वजह से इसमें है, ठीक है, याद रखें। और इस और एक रीजन और भी है, बहुत सारे लोग गर्भ में ही भ्रूण की जांच करवाते हैं, मतलब लिंग की जांच करवाते हैं, ये मेल है या फीमेल है, और फिर अबॉर्ट करवाते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा, ये भी रीज़न है कि भारत में बालक बालिकाओं के अनुपात में, लिंग अनुपात में बहुत बड़ा अंतर है, और ये सब गलत है, ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि लड़के लड़की दोनों एक समान है, दोनों को एक बराबर इक्वली ही ट्रीट करना चाहिए। अगर लड़का 4 आम खाएगा तो लड़की के पास भी राइट है, उसके माँ बाप को भी, उसे भी वो 4 आम जरूर देने चाहिए। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हंस मत देना भाई, ठीक है। चलो 100 देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। वर्ष 2011 के अनुपात के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में रहता है। देखिए तो ये जो रहता है ना, 17.5% एरिया भारत में है, ठीक है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार से। तो ये था आज का हमारा सेट नंबर 10 द प्लेटफॉर्म का, जिसका कट ऑफ था 70+ मार्क्स। उम्मीद करता हूँ आप सबने इस कट ऑफ को जरूर जरूर टच किया होगा, पार किया होगा, कमेंट करके जरूर जरूर बताएं और अपने राय भी अच्छे से हमें जरूर दें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा से मिलेंगे हम एक और सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।